हेलो एंड वेलकम गाइस, मैं हूं तस्खीर। इस वीडियो में मैं रिएक्ट करने वाला हूं सो इमरान रियाज खान की एक लेटेस्ट वीडियो पर करेंगे हम रिएक्शन। इस वीडियो के अंदर तो इंपोर्टेड गवर्नमेंट कन्फेस्ड दैट पाकिस्तान इज़ इनटू इकोनॉमिक मैस। ये इंपोर्टेड गवर्नमेंट या फिर जो करंट गवर्नमेंट है उसने एक्सेप्ट कर लिया है। स्टार्ट करते हैं वीडियो को, लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। पाकिस्तान को ऐसा लगता है कि मौजूदा हुकूमत ने OLX पे लगा दिया है। इस वक्त की सूरत हाल में आपको बता देता हूँ, पाकिस्तान के बहुत सारे जो एसेट्स हैं उनको गिरवी रखा गया पहले, सैलाब मुतासरीन के लिए जो पैसा आया जिससे उनके घर बनाने थे, उनकी बहाली करनी थी, उनका ख्याल रखना था, वो भी गायब हो गया, वो पैसे भी उड़ा दिए गए हैं। अभी तक हमारे जो लोग काम कर रहे हैं सैलाब मुतासरा इलाकों के अंदर, वो साफ बता रहे हैं कि कई एरियाज के अंदर से तो पानी उतरा ही नहीं। सिंध की गवर्नमेंट ने एक भी घर नहीं बनाया, वो वफाकी हुकूमत ने किसी को कोई काम करके नहीं दिया। वो जो बहुत बड़े पैमाने पर खैमे आए थे बैरून मुल्क से, उनमें से कुछ खैमे सिर्फ लोगों को मिले हैं और बाकी खैमे भी गायब हैं। राशन नहीं दिया, पैसा नहीं दिया, घर बनाकर नहीं दिए, इंफ्रास्ट्रक्चर वापस बनाकर नहीं दिया, और सब बेड़ा गर्क किया और पैसा गायब कर दिया। आपको याद है एक खबर चल रही थी इमरान खान के खिलाफ कि इमरान खान ने जुल्फी बुखारी को रूजवेल्ट होटल बेच दिया जो अमेरिका के अंदर है, न्यूयॉर्क में। ये खबर चल रही थी, बार बार चल रही थी। जब रिहाम खान ने इस खबर को चलाया तो बरतानिया में जुल्फी बुखारी ने रिहाम खान के ऊपर केस किया, रिहाम खान ने माफी मांगी और फिर अपना बयान जारी किया जिसको 3 दिन तक अपने ट्विटर के मेन पेज के ऊपर रिहाम खान ने लगा कर रखा और जुल्फी बुखारी से माफी मांगी। ओके, अब ये तो रिहाम खान के साथ हुआ था, पाकिस्तान के मीडिया के साथ तो कुछ हुआ नहीं था। पाकिस्तान का मीडिया कहता था कि तबाह कर दिया हर चीज को, बर्बाद कर दिया हर चीज को, और अब अमेरिका के अंदर जो पाकिस्तान का एक एसेट है, एक होटल, उसको बेचा जा रहा है। जो पॉलिटिकल पार्टी थी वो भी रोला डाल रही थी और अब इस होटल को बेचने के आखिरी मरहले में दाखिल हो गई है शहबाज शरीफ की हुकूमत। शहबाज शरीफ की हुकूमत ना कहें, पीडीएम की हुकूमत कहें, क्योंकि उसमें फजल रहमान और आसिफ अली जरदारी भी हैं। और सबसे ज्यादा रोला इन्होंने डाला हुआ था कि ये होटल बिक जाएगा, होटल बिक रहा है, होटल को क्यों बेच रहे हैं। तो बोल न्यूज की खबर के मुताबिक आखिरी मरहले में दाखिल हो गई है इस होटल की फरोख्त, और मुबैना तौर पे इस होटल को अपने ताल्लुकदार एक अरबी शख्स को बेचा जा रहा है। यानी अरब ममालिक में से एक मुल्क है और वहां पे अपने ताल्लुकदार को यह होटल, बाकी आप खुद समझदार हैं किसको और क्यों बेचा जा रहा है। तो शरीफ खानदान के तो ताल्लुकात बड़े अच्छे हो जाते हैं, पाकिस्तान का एक कीमती एसेट है और उसको ओने पोने बेचने की तैयारी है, यानी जो उसकी असल कीमत है उससे कम कीमत के ऊपर बेचने की तैयारी है। ये एक और खबर लीजिए आप, इकोनॉमी को सुधारने के लिए किस तरीके से पाकिस्तान का एक और एसेट अमेरिका में बेचने की तैयारी है। आसिफ ईमान साहब हैं, ये अमेरिका में रहते हैं, इन्होंने सबसे पहले इसको बताया था, फिर ये ARY पे भी चली, हर तरफ ये खबर चली और लगातार चलती जा रही है। इन्होंने बताया कि वाशिंगटन में बैंक से $70 लाख का कर्जा लिया गया और उससे आराइश की गई पाकिस्तान के सफारतखाने की एक बिल्डिंग की, और अब उस बिल्डिंग को $68 लाख में फरोख्त करने की मंजूरी शहबाज शरीफ ने काबीना की मुखालफत के बावजूद दे दी है। 70 में लिया, काबीना ने मुखालफत की, इसके बावजूद शहबाज शरीफ ने पाकिस्तानी सफारतखाने की एक बिल्डिंग जिसको $70 लाख के अंदर उसको सजाया गया था, इसमें कीमत शामिल नहीं है, उसकी तज़ईन व आराइश की गई थी $70 लाख के अंदर और बैंक से कर्जा लेकर की गई थी, उस बिल्डिंग को $68 लाख में फरोख्त करने की मंजूरी दे दी गई है। और शहबाज शरीफ साहब ने यह मंजूरी काबीना की मर्जी के बगैर दी है। अब ये आसिफ ईमान साहब ये कह रहे हैं कि मैं यहां अमेरिका में रियल स्टेट यानी प्रॉपर्टी के कारोबार से मुंसलिक हूं और मैं इस बिल्डिंग का $12 मिलियन में खरीदार हूं, यानी $68 लाख में ये बेच रहे हैं ना, वो $120 लाख में यानी लगभग दुगनी कीमत का खरीदार अपने आप को बता रहे हैं। अब अच्छा। ये भी अपने किसी चहेते को दे रहे होंगे अगर इतने कम पैसों में दे रहे हैं। तो इस तरीके से पाकिस्तान का हाल कर दिया इन्होंने। पाकिस्तान में ये भी अभी इस दफा पहली मर्तबा हुआ है कि इत्तेहादी जमातों में से दो ने काबीना के इजलास का बायकॉट कर दिया। और बायकॉट क्यों किया, देखिए ये बलूचिस्तान की वज़रा हैं जिन्होंने बायकॉट किया है।
इसमें जो वुजरा है उनमें JUI के लोग हैं, फजल रहमान की पार्टी के वुजरा है, उन्होंने बाइकआउट किया और ये तो उन्होंने तय करके बाइकआउट किया है कि ठीक है यार आप लोग बाइकआउट कर दें, हमने तो ये काम करना ही करना है। दूसरा बलूचिस्तान मैंगल पार्टी जो है BNP मैंगल, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी मैंगल ग्रुप, उन्होंने भी बाइकआउट कर दिया काबीना के इजलास का। जराय का कहना है कि बलूचिस्तान से ताल्लुक रखने वाले वुजरा ने रेकोडेक के मामले पर काबीना इजलास का बाइकआउट किया और ये उन्होंने एहतजाज रिकॉर्ड करवाया है। उनका कहना है कि 18वीं तरमीम की खिलाफ वर्जी की जा रही है। अब खिलाफ वर्जी कैसे हो रही है, ये कानून है कि रेकोडेक जो है या कोई भी पाकिस्तान के अंदर से खजाना मिलेगा या मादनियात मिलेंगी तो उस सूबे का उसके अंदर हिस्सा होगा 18वीं तरमीम के मुताबिक, लेकिन इसको वफाक के कंट्रोल में लेने की कोशिश की जा रही है और वफाक इस पर एक तरह से वहां के जो लोग कह रहे हैं वो कह रहे हैं जी कब्जा कर रहे हैं हमारे वसाइल के ऊपर। बलूचिस्तान पहले ही पिसा हुआ है, तालीम की सहूलतें वहां नहीं हैं, हेल्थ की सहूलतें वहां नहीं हैं। बलूचिस्तान में एम्बुलेंसेज भेजने का मकसद ये है कि वहां पर जो शख्स भी जख्मी होता है वो माजूर हो जाता है, अस्पताल ही कोई नहीं है। और अगर अस्पताल लेकर जाना तो गरीब आदमी इतने पैसे ही खर्च नहीं कर सकता, यानी वो गाड़ी लेकर जाएगी, पहले आएगी उसको उठाएगी लेकर जाएगी कई सौ किलोमीटर, फिर उसको वहां से वापस लेकर आएगी कई सौ किलोमीटर, फिर उन लोगों ने वहां पे रहना भी है तो वो नहीं कर सकते। तो हमने कम से कम कोशिश की वहां पे एम्बुलेंसेज भिजवाते हैं, अभी और भी भिजवाएंगे इंशाल्लाह, अब लोगों से हम बात कर रहे हैं, कुछ और लोग भी दे रहे हैं। तो ये उस सूबे के वसाइल के ऊपर कब्जा, यानी जिस सूबे को आपने कभी कुछ नहीं दिया, गैस उनकी इस्तेमाल कर करके खत्म कर दी, जिस सूबे की हर चीज के ऊपर कब्जा कर लिया, अब रेकोडेक के जो उनके अपने जखायर हैं उनके ऊपर भी वफाक का हक, तो वो उसके लिए उन्होंने अलामती तौर पे एक बाइकॉट किया है, लेकिन वो हुकूमत का हिस्सा रहेंगे। अगर तो वो वाकई बलोचों के हक के लिए आवाज़ उठा रहे होते तो वो फौरी तौर पे हुकूमत से अपने आप को अलहदा करते और वो ये कहते कि हम इस हुकूमत में नहीं बैठ सकते जो हुकूमत बलोचों का हक छीन रही है। लेकिन क्योंकि ये आपस में बड़े बड़े मिले हुए होते हैं तो अवाम की आंखों में धूल झोंकने के लिए पार्शली इन्होंने बाइकॉट किया कि बलूचिस्तान वाला जो JUI का जो एरिया है या जो बलूचिस्तान की पार्टी जो JUI वाली है वो बाइकॉट कर दे, KPK वाली आ जाए अंदर। और इसी तरह से बलूचिस्तान मैंगल पार्टी जो है, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी मैंगल, इन्होंने भी बाइकॉट किया है, लेकिन ये बाइकॉट अवाम की आंखों में धूल झोंकने के अलावा और कुछ नहीं है। अब ज़रा कुछ स्टेटमेंट देख लें, ये इम्पोर्टेड हुकूमत के अपने हैं, कोई मैं चीज़ आपको नहीं बता रहा। शहबाज शरीफ का एक स्टेटमेंट है, एक शाहिद खाकान अब्बासी का स्टेटमेंट है और एक स्टेटमेंट है ख्वाजा साद रफीक का। तीनों बहुत इंपॉर्टेंट लोग हैं ना, पीपल पार्टी को तो होश ही नहीं है ना, उनको तो समझ ही नहीं है। बिलावल भुट्टो जरदारी तो जो वर्ल्ड टूर पे निकला पहले दिन से अब तक वापस ही नहीं आ रहा, वो कभी कभी पाकिस्तान के दौरे पर आता है, गरीबों के साथ एक दो फोटोज बनाता है, उन फोटोज को टाकी शाकी मार के फिर निकल जाता है बैरूने मुल्क और वो फोटोज दिखा के पता नहीं क्या करता रहता है। यानी टक्के का काम नहीं किया। अफगानिस्तान जैसे मुल्क के साथ जो पाकिस्तान का हमसाया है, ताल्लुकात आपके बदतरीन हो गए हैं। चीन जो है वो आपसे नाराज हो रहा है, ईरान के साथ ताल्लुकात सब दुनिया जानती है, भारत के साथ मामला वैसे ही कटाई का शिकार है। अब उसके बाद रशिया के साथ आपके क्या ताल्लुकात हैं बताने की जरूरत नहीं है, और आपका वजीर खारजा जो है वो यूरोप और अमेरिका के टूर से वापस ही नहीं आ रहा, अब वो दोबारा अमेरिका के टूर पर चला गया एक हफ्ते के लिए। दोबारा सबसे ज्यादा मौजें तो बिलावल जरदारी की लगी हुई है, पता नहीं अमेरिका से इन्होंने निकालना क्या है। फिर एक हफ्ते के लिए अमेरिका चलेंगे अपनी वफादारी का यकीन दिलाने के लिए, इससे पहले वो फीफा वर्ल्ड कप देख रहे थे अपने दोस्तों के साथ, उसके बाद वो चले गए थे एक और मुल्क में, यहाँ पे इसी रीजन के अंदर ईस्ट एशिया में घूमते रहे और उसके बाद अब चले गए अमेरिका दोबारा एक हफ्ते के लिए। बिलावल के ऊपर जो खर्चा किया अब तक इस इंपोर्टेंट हुकूमत ने, जिनके पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं है, जहर खाने के पैसे नहीं है, हालात ये पैदा हो गए हैं कि दालें आप अब इंपोर्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि दालें पाकिस्तान बाहर से मंगवाता है, हालांकि पाकिस्तान एक जरिए मुल्क है पैदा कर सकता है, लेकिन पॉलिसी नहीं दी कभी हमारे हुक्मरानों ने, तो दालें बाहर से मंगवानी होती हैं। अब दालें मंगवाने के लिए हमारे पास पैसे नहीं हैं जिन पैसों से अब हम इंपोर्ट कर सकें दालें, डॉलर नहीं है ना, ओके, तो ये भी आगे एक मुश्किल पैदा आ रही है। दवाइयाँ जो खाम माल दवाइयाँ बनाता है, फैक्ट्रियाँ बंद हो रही हैं, दो हफ्ते का सामान रह गया है, दवाइयाँ भी नापैद होती चली जाएंगी, मशीनरी तो बाहर से नहीं आ रही, हर चीज रुक गई है, इवन डॉलर को पाकिस्तान से बाहर ले जाने पर पाबंदी लगा दी गई है। पहले आप $10,000 तक पाकिस्तान से बाहर ले जा सकते थे, अगर आप घूमने फिरने जा रहे हैं फैमिली के साथ जा रहे हैं
अब वो हद जो है वो $6,000 है, ये इतने पैसे आप ले जा सकते हैं। और एक और हद मुकर्रर कर दी, अगर आप साल में 10 दफा भी सैर करने जा रहे हैं या 10 मरतबा भी आप सयाह हैं या आपको बार बार पाकिस्तान से बाहर जाना पड़ता है, तो आप टोटल $30,000 ले जा सकते हैं, चाहे आप अरबपति भी हैं। $5,000 एक बंदा बाहर ले जा सकता है। और इसको जरा आप समझिए कि ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर डॉलर खत्म हो गए हैं। अब इस तरह के इकदाम से ऐसा खौफ पैदा हो रहा है जिस खौफ की वजह से लोग धड़ाधड़ हुंडी हवाले के जरिए से पैसा पाकिस्तान से बाहर लेकर जा रहे हैं और लोगों को पाकिस्तान की इकोनॉमी के अंदर से एतबार खत्म होता जा रहा है। और इसकी सबसे बड़ी वजह इसहाक डार है। याद रखिएगा, जब जब शरीफ खानदान को पाकिस्तान में रिलीफ मिलता है, इकतदार मिलता है, ताकत मिलती है, NRO मिलता है, तब तब पाकिस्तान के अंदर से अच्छे लोग पाकिस्तान छोड़कर चले जाते हैं, सरमायाकार चले जाते हैं, डॉक्टर्स चले जाते हैं, इंजीनियर्स चले जाते हैं, क्या करे वो, IT एक्सपर्ट्स चले जाते हैं। पाकिस्तान के अंदर जो ब्रेन ड्रेन है वो सबसे ज़्यादा तेज़ी से होता है जब ये शरीफ खानदान इकतदार में आता है, और वही इस वक्त हो रहा है। पिछले 7-8 महीनों के अंदर रिकॉर्ड पाकिस्तानी पाकिस्तान छोड़कर बाहर चले गए हैं, और ज़्यादातर टेक्निकल लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, पाकिस्तान का ब्रेन है जो किसी मुल्क की तरक्की में रोल प्ले करते हैं। बहरहाल, बिलावल ने अब तक जो पैसा खर्च किया अपने गैर मुल्की दौरों पर पिछले 7 महीने में, वो पैसा है जनाब पौने 200 करोड़, 175 करोड़ रुपए ये पैसा बिलावल ने खर्च किया है। यानी आम पाकिस्तानी जब बाहर जाए तो साल के अंदर $30,000 से बाहर ज्यादा नहीं ले जा सकता, लेकिन बिलावल के लिए $30,000 तो छोड़ दें आप, वो उसने खर्च लिया कितना पैसा, 175 करोड़ रुपए। आम पाकिस्तानी के लिए पूरे साल के अंदर $30,000 की हद, यानी एक आम पाकिस्तानी के लिए पूरे साल में $30,000 की हद, जबकि बिलावल के लिए 7 महीने के अंदर 2.25 अरब रुपए, 225 करोड़ रुपए, ये फर्क है एक आम पाकिस्तानी में और बिलावल में। तो इसीलिए बिलावल ने कहा था कि वेलकम टू पुराना पाकिस्तान। शहबाज शरीफ ने कहा है जी IMF ने बाकायदा पांव में जंजीरें पहना दी हैं। तो जब हम बता रहे थे कि ये मुआहदा ना करो ऐसे, जब हम बता रहे थे कि मुफ्ता इस्माइल पाकिस्तान को गिरवी रख रहे हैं, तो उस वक्त शहबाज शरीफ साहब को समझ नहीं आ रही थी, लेकिन अब समझ आ रही है। और उस वक्त इल्ज़ाम किस पर लगाए जा रहे थे, इल्ज़ाम लगाए जा रहे थे इमरान खान साहब पर, लेकिन इस वक्त किस पर इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, ज़रा ये भी सुन लें। मुल्की मईशत की तबाही के जिम्मेदार इमरान खान या किसी और को ठहराना ठीक नहीं है, शायद हकान अब्बासी का भी स्टेटमेंट आप सुन लें। अब वो कह रहे हैं जी हमें भी जिम्मेदार ना ठहराएं, डार को भी ना ठहराएं, मिफ्ता को भी ना ठहराएं, और इमरान खान को भी मुल्की मईशत की तबाही का जिम्मेदार ना ठहराएं। पहले कहते थे इमरान खान जिम्मेदार है, अब कहते हैं ना हम है ना इमरान खान है। ये थोड़े अरसे के बाद ये मानेंगे कि हम ही जिम्मेदार हैं, इमरान खान जिम्मेदार नहीं था जो बेड़ा गर्क इन्होंने पाकिस्तान की मईशत का किया है। आखिरी बयान जरा ख्वाजा साद रफीक का भी आप सुन लें। जनाब फरमा रहे हैं कि उनके अंडर जो महकमे हैं, जो इदारे हैं, उनमें तनख्वाहें और पेंशन देने के पैसे अब खत्म हो गए हैं। ये ख्वाजा साद रफीक कह रहे हैं कि जो महकमे और इदारे उनके पास हैं, उन इदारों में मुलाजमीन को जो वहां काम करते हैं सरकारी मुलाजमीन, उनको तनख्वाहें देने के और पेंशन देने के पैसे अब मौजूद नहीं हैं। और बहुत सारे सरकारी मुलाजमीन जिनको मैं जानता हूं सीनियर्स को, उनको तनख्वाह नहीं मिली है, ये मैं आपको बता रहा हूं। और कब से नहीं मिली ये भी आपको बता दूंगा मैं, जरा वक्त आने दीजिए। उनको तनख्वाहें नहीं मिल रही हैं, वो चुप चुप करके बात बताना शुरू हो गए हैं। यानी उनको कहा गया कि आप जरा सब्र करें, आपको पैसे देते हैं, लेकिन तनख्वाहें नहीं दी जा रही। और इसके अंदर एक और जरा खबर मैं आप तक पहुंचा दूं कि ये जो तनख्वाहें हैं ये सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर नहीं मिल रही, पाकिस्तान से बाहर जो पाकिस्तान के सफारतखाने काम कर रहे हैं, यानी मुतअद्दद पाकिस्तानी सफारतखानों के मुलाजमीन की तनख्वाहें 4 महीने से बंद हैं। ऐसा पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया इस इंपोर्टेड हुकूमत ने। यानी बहुत सारे ममालिक हैं, यूरोपीय ममालिक हैं, यानी यूरोप के कई मिशन, उन्होंने वजारत खारजा को खतूत लिखे हैं कि मिशन को पिछले 4 माह में $50,00,000 की अदायगी नहीं हुई है। और ये पैसा जब देंगे तो लोग तनख्वाहें लेंगे ना। पाकिस्तानी यूरोप मिशन ने वजारत खारजा को खत में लिखा है कि तनख्वाहें ना मिलने से हमारे काम मुतासर हो रहे हैं, हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अमरीका में, फ्रांस में, जर्मनी में, ओमान में, वियना में, बेल्जियम में, इस जगह पर तनख्वाहें नहीं मिल रही। तुर्की और अफगानिस्तान, वहां पर भी तनख्वाहें लेट हो रही हैं।
तो जब आप तनख्वाहें भी नहीं दे सकेंगे तो मुल्क कहाँ खड़ा होगा? ये डिफॉल्ट नहीं है तो और क्या है? बिल्कुल बदकिस्मती से पाकिस्तान को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया इन लोगों ने। अब नवाज शरीफ को वापस लाने की तैयारी कर रहे हैं जनवरी के दूसरे हफ्ते में, उसमें भी खर्चा और उसके लिए माहौल बनाया जा रहा है। सिर्फ दो सूरतों में वापस आ सकेगा नवाज शरीफ, वरना लोग छोड़ेंगे नहीं। एक, या तो कोई दोस्त मुल्क पैसा दे दे, या फिर IMF का पैसा आ जाए। IMF का पैसा फिर डिले हो गया, उन्होंने कहा जी हम जनवरी में आएंगे, दिसंबर में ही मुज़ाकरात नहीं हो रहे और जनवरी के मिड तक तो वो पैसे देने वाले नहीं हैं। और इस सारी सूरत हाल में भी आपको पता सबकी तवज्जो किस बात पे, खासतौर पे पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की, कि कहीं इमरान खान वापस ना आ जाए। यानी ये मुल्क की तबाही की पूरी दास्तान मैंने आपके सामने रखी है ना, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट का इससे कुछ लेना देना नहीं है। उनकी पूरी तवज्जो ये है कि इमरान खान को कैसे रोकना, कहीं इमरान खान वापस ना आ जाए। तो ये बात है सीधी सीधी, सबकी तवज्जो लगी हुई है ना इमरान खान को नाअहल करने के ऊपर या उसको हटाने के ऊपर। तो ये तमाम कारोबार, ये तमाम मुनाफे जो आप पाकिस्तान के अंदर कमाते हैं, जो जायज़ नाजायज़ आपके कारोबार हैं, ये सब पाकिस्तान के साथ ही हैं। पाकिस्तान और पाकिस्तान की मईशत है तो ये सब कमाइयाँ हैं, वरना ये सारी कमाइयाँ नहीं होंगी। इस वक्त पाकिस्तान की सियासत के साथ इमरान खान लाजमो मलजूम हो चुका है, आप उसको अलग नहीं कर सकते, नाअहल करके भी नहीं कर सकते। कितना और डुबोना है पाकिस्तान को इस तजर्बे में। तो ये जो सहूलतकार हैं जिन्होंने ये रिजीम चेंज ऑपरेशन करके मुसल्लत किया हुकूमत, उनके लिए लगता है कि शायद आखिरी मौका है। अगर उन्होंने इससे भी फ़ायदा ना उठाया तो फिर अवाम फैसला अपने हाथ में लेने पर मजबूर हो जाएंगे। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी अल्लाह हाफिज़। तो किस सेक्टर से आपको चीज़ें देखने को मिल रही हैं कि हल्के हल्के लोग विदेश में शिफ्ट हो रहे हैं, लोग जा रहे हैं, क्यों काम करेंगे भाई? उनको वहाँ पर जगह नहीं मिल रही, काम नहीं मिल रहा, उनके लिए कुछ अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, कुछ नज़र नहीं आ रहा है। जो इन्होंने बताया कि पढ़े लिखे जो इकोनॉमी में कुछ हिस्सा रखते हैं, उसको बढ़ाने में कुछ पार्ट रखते हैं पाकिस्तान की इकोनॉमी को बढ़ाने में, उसको बरकरार रखने में, वो लोग छोड़कर जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है पाकिस्तान और बहुत तेज़ी से जा रहा है। अब ये चीज़ मान भी ली है गवर्नमेंट ने, जो करेंट गवर्नमेंट है उसने अब मानी है कि यार ऐसा हो रहा है, जबकि किसी चीज़ पर ध्यान नहीं है, तरक्की की तरफ शायद ध्यान नहीं है उनका। इमरान खान और अभी की गवर्नमेंट, उनका जो है वो टक्कर चल रही है, तो एक दूसरे को रोकने के लिए तो काम हो रहा है। मतलब जो पावर में है वो रोक रहा है दूसरी पार्टी को कि वो गद्दी पर ना बैठ जाए, सीट पर ना बैठ जाए, जबकि होना ये चाहिए कि तरक्की की तरफ ध्यान दें, काम करें पाकिस्तान के लिए। जो इकोनॉमी डाउन हो रही है, बर्बाद हो रहा है जो देश, उसको ऊपर लेकर आएं। पेंशन्स ख़त्म हो गई हैं, सैलरी देने के लिए पैसे नहीं हैं, डॉलर नहीं है, बाहर जाओगे तो डॉलर लेकर नहीं जा सकते, लिमिट्स हो गई हैं 10,000 से 6,000, 30,000 की सालाना लिमिट हो गई है, लेकिन खर्चे कम नहीं हो रहे हैं, इकोनॉमी को ऊपर लाने का कोई काम नहीं हो रहा है, कर्जे नहीं मिल रहे हैं, बहुत कुछ बुरी कंडीशन चल रही है। तो ये किस वजह से है, क्यों है? जब संभल नहीं रहा है तो क्यों, क्यों किया जा रहा है? जब संभाला नहीं जा रहा है तो क्यों आप कंट्रोल लिए बैठे हुए हो? सीट पक्की हो जाए और हमारे लोग पावर में आ जाएं, जो जिन पर मुकदमे हैं वो हट जाएं, ये सारे काम हो रहे हैं, पैसा खर्च हो रहा है, जो भी ख़जाना बचा हुआ था वो खर्च हो रहा है, जो बिल्डिंग्स थी जितने में ख़रीदी हुई थी विदेश में उनको बेचा जा रहा है, और काम पक्के किए जा रहे हैं कि गद्दी से ना हटें, चाहे पाकिस्तान ख़त्म हो जाए। सो क्या कहते हो इस सिचुएशन के बारे में? मुझे सुनकर बड़ा ही यार अजीब लगा, बहुत बुरा सा लगा कि यार सब कुछ ख़त्म हो रहा है लेकिन किसी को परवाह नहीं है। क्या कहते हो वो बताओ, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।